नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल आप लोग अक्सर चर्चा में सुनते रहते हैं, बना रहता है। और आखिर चीनी उत्पादों पर ब्लैंकेट बैन, यानी कि कहने का मतलब है कि जो चीनी उत्पाद है हमारे यहाँ आयात होता है उन पर बैन लगाने की बात की जा रही है, बंद करने की बात की जाती है। अभी से नहीं, आप कभी भी देखिए चाइना वाइकॉट, चाइना सामानों का वाइकॉट करने लगते हैं आप लोग, दीपावली के समय हो फिर या चाहे कभी भी हो। तो उसी से संबंधित ही आपका आर्टिकल लिखा गया है। तो इसमें देखते हैं हम लोग चर्चा का कारण अभी क्यों है और भारत चीन के बीच व्यापार कितना है, भारत द्वारा चीन के आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं, चुनौतियां क्या हैं, विदेशी निवेश पर खतरा क्या है और भारत के पास विकल्प क्या है आखिर, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है चीन से। आपने सुना होगा कि 70% हम लोग दवाइयां जो भी कच्चा माल है चीन से आयात करते हैं। कहते हैं कि मोबाइल जो आपके यहाँ 4 मोबाइल हैं उनमें से 3 मोबाइल चाइना चाइना की कंपनियों के, यानी कि 4 अगर फोन आपके टोटल हैं तो उनमें से 3 पर किसका, यानी कि कुल 75% तक चाइना का दबदबा है आपके देश में मोबाइल में। तो एकाएक रोक पाना संभव भी नहीं है। तो देखते हैं आखिर क्या बताया जा रहा है। जैसा कि आप पता होगा आपको कि 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। और उस तरफ से कितने शहीद हुए, कितने यानी कि कितने मारे गए हमें कोई पता नहीं। इसलिए पता नहीं क्योंकि वहां की मीडिया जिस तरह से हमारी मीडिया बता देती है या हमारे यहाँ खुला रहता है सब, एक लोकतंत्र की यही तो सही है कि पता चल जाता है जनता को क्या हो रहा है। और वहाँ इस तरह की लोकतंत्र नहीं है, वहाँ अगर ज्यादा मरते भी हैं तो वो छुपा लेते हैं, ठीक है, उनकी बेइज्जती ना हो। यही उन्होंने कोरोना वायरस से किया है कि मरने वालों की संख्या कोई बता रहा है 2 करोड़ के करीब से में बंद हो चुके हैं। तो हो सकता है 2 करोड़ लोग मारे गए हों या फिर 2 लाख मारे गए हों या कितने मारे गए हों पता नहीं हम लोगों को। लेकिन अब आपने देखा है केसों का भी पता नहीं है, हेर फेर करते रहते हैं तो वो क्लियर आंकड़े बताते भी नहीं है। इस घटना के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LOC सॉरी LAC पर युद्ध जैसे हालात बन गए थे। इसे लेकर देश की जनता में काफी रोष और लोग मांग कर रहे थे कि भारत में चीन से आयात निर्मित सामानों का बहिष्कार कर चीन को सबक सिखाना चाहिए। एक बार मैप्स में देखिए आप लोग, देखिए आपका यह है प्यारा भारत हमारा, इसमें आपको ये आपका नीचे श्रीलंका मिलेगा, यहाँ श्रीलंका, ये आपका म्यांमार है, बांग्लादेश आपका पड़ोसी है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है सीमा हमारी, सबसे ज्यादा बांग्लादेश से। एक बात याद रखिए कि हमारी चाइना से डायरेक्ट सीमा नहीं लगती थी, लेकिन चाइना ने जब से तिब्बत पर दबदबा किया है, कब्जा कर लिया है, तब से हमारी जो सीमा है वो चाइना से लगने लगी। चाइना है ये आपका, ठीक है, चाइना हमेशा से। आप याद रखिए कि यहाँ भूटान के पास आप देखिए तो भूटान के पास दबदबा करता रहता है वो डोकलाम को लेकर, और सिक्किम के पास वो नाथुला सेक्टर को लेकर भी दावा ठोकता रहता है, और यहाँ आपका लद्दाख में, यहाँ आपका पेंगोंग झील है यहीं पर ये बात करता रहता है, यहीं अभी जो डिस्प्यूट डिस्प्यूट हुआ है यहीं हुआ है, ठीक है। तो याद रखना लद्दाख की सीमा आपकी चाइना से लगती है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और आपकी फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को तो पूरा बताता रहता है कि पूरा हमारा ही है, अपना दावा ठोकता रहता है। अगर भारत तो चीन के बीच व्यापार की हम लोग बात करें तो अमेरिका के बाद चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश है। साल 2019-20 के दौरान भारत और चीन के बीच 5.50 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जो कि भारत अमेरिका के बीच 5.85 लाख करोड़ रुपए का व्यापार से सिर्फ थोड़ा ही कम है। भारत के कुल व्यापार में चीन की हिस्सेदारी करीब 11% है। कितनी? 11% है। याद रखिए ये अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है चीन, जिससे हम लोग व्यापार करते हैं एक बड़ा। तो आप सोचिए कि एक बार में सब कुछ रोक देना ना तो संभव हुआ है
और आपने जब से देखा है कि आपने सुना होगा कि बायकॉट आप लोगों ने किया है, लेकिन उसके बाद हमारा व्यापार चलता आया और चल रहा है। चाइनीज कंपनी आप भी अभी भी आपने देखा है कि फोन खरीद रहे हैं आप लोग, उसी समय कई फोन लॉन्च हुए, उसके बाद देखा कितनी बड़ी मात्रा में भारतीय लोगों ने फोन खरीदे। आप भी जानते हैं कि हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि अब चाइनीज फोन आपको मिल जाएगा 8 से 9 हजार रुपया में, वही फीचर्स आप दूसरी कंपनी का खरीदें वो मिलेगा आपको 20 से 30 हजार रुपये में, तो आप कौन लेना चाहेंगे, आप सस्ता ही लेना चाहेंगे। तो एक रोक पाना, या तो आप उसका विकल्प दे दीजिए, आप अपने यहाँ मोबाइल बनाइए और सस्ते बनाइए, लोग खरीदेंगे। लोगों को खरीदने से मतलब होता है, समझ रहे हैं, देशभक्ति भावनाएं एक समय के लिए काफी रहती हैं, 10 से 15 दिन। आप भी जानते हैं कि 10 से 15 दिन कोई भी हमारे यहाँ घटना घटे, 10-15 दिन रोष रहता है लोगों में, उसके बाद बुझ जाता है, उनका रोष खत्म हो जाता है। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 में अप्रैल फरवरी में के दौरान चीन से कुल 4.4 लाख करोड़ रुपए का आयात किया। कितना? 5.50 लाख रुपए का व्यापार है, जिसमें से 4.40 लाख करोड़ रुपए का आयात करते हैं, यानी कि हम उनसे खरीदते हैं कितने का, एक बहुत बड़ा हिस्सा, 4.4 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदते हैं। इस बीच सभी देशों को मिलाकर भारत का कुल आयात 31.23 लाख करोड़ रुपए का रहा है। इस तरह भारत की आयात में चीन की हिस्सेदारी की सर्वाधिक है, कितनी, 44.14% आप समझ रहे हैं कि 14.8% सामान हम लोग, जो भी हमारे यहाँ उपयोग हो रहा है, उसका हम लोग चाइना से खरीद रहे हैं। वहीं इससे पहले 2018-19 में भारत ने चीन से 4.92 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा था। इस साल कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 13.68% थी, 13.68%। और आप देख रहे हैं कि 2019-20 में और बढ़ गया, क्या हो गया, घटने की बजाय और बढ़ गया है। भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 अप्रैल फरवरी के दौरान 20.58 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया और चीन को 1.09 लाख करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया। इस तरह चीन के साथ भारत का व्यापार अंतर घाटा 3.31 लाख करोड़ रुपए का है। कितना? 3.31 लाख करोड़ का है। चीन को 1.09 लाख करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया है, यानी कि हमने खरीदा है उनसे बहुत बड़ी मात्रा में और बेचा है उन्हें ना के बराबर, समझ रहे हैं आप लोग। तो इतना बड़ा हमारा दोनों के बीच फैसला है, और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, हमें खुद तो आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तभी तो हम ये सक्सेस हो सकता है। आप सोचिए कि हम लोग खरीद कितना रहे, घाटा कितना है हमारे बीच, 3.31 लाख करोड़ रुपए का घाटा चल रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग चीन से ज्यादा सामान आयात करते हैं, उन्हें बेचते हैं कम, समझ रहे। चीन के सामानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वालों की प्रमुख वजहों में से एक व्यापार घाटा है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि व्यापार घाटा अच्छी चीज नहीं है और इससे घरेलू अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। हालांकि ये यदि हम तथ्यों पर गौर करें तो ये बात सही नहीं प्रतीत होती है। अगर भारत द्वारा चीन से आयातित की जाने वाली वस्तुओं की बात करें तो वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने चीन से सबसे ज्यादा 1.28 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी उपकरण, इसके विभिन्न पार्ट्स खरीदे। जी, चीन से कुल आयात में इसकी हिस्सेदारी 29% है। कितनी? 29% अकेले आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, जो भी मोबाइल है, इस तरह के जो भी उपकरण हो गए, ये आप विभिन्न पार्ट्स हो गए, उन्हें खरीदा है आपने। इसके बाद दूसरे नंबर पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स और इससे संबंधित मशीनें, जिसे भारत ने चीन से 90.17 हजार करोड़ रुपए में आयातित किया है। चीन से कुल आयात में इसकी 20.50% हिस्सा है। तीसरे नंबर पर जैविक रसायन देखे गए, जिसे 5309 हजार करोड़ रुपए में आयातित किया है। चीन से कुल आयात का ये 12% है। कितना? 12%। वहीं 18.19 हजार करोड़ रुपए का प्लास्टिक आयात किया गया है, जो आयात का 4% है। इसी कार तरह भारत ने चीन से 12.73
1,000 करोड़ रुपए के उर्वरक और 10.89 हजार करोड़ रुपए के लोहे या फिर स्टील सामान आयातित किए हैं। भारत द्वारा चीन से कुल आयात में इनकी हिस्सेदारी क्रमशः 3 और 1.5% है। समझ रहे हैं, एक मतलब बहुत ज्यादा ही आयात करते हैं हम लोग और बेचते हैं उसे कम, बिल्कुल कम। तो अगर हम एक तरफ से रोक देते हैं तो हमें ही नुकसान होगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है अभी तक। अगर इसे विकल्प बना लेते हैं उसके बाद आप रोक सकते हैं, अगर आप रोकते हैं उसके बाद तो आपको ही फायदा होगा, लेकिन अभी घाटा ही देखने को मिलेगा। चुनौतियों की अगर हम बात करें इसमें कि चुनौतियां क्या क्या हैं, तो व्यापार घाटा का मतलब है कि भारतीय चीनी सामान ज्यादा खरीद दे रहे हैं जबकि इसकी तुलना में चीन के लोग भारत से कम सामान ले रहे हैं। हालांकि ये बुरी चीज नहीं है क्योंकि ये दर्शाता है कि भारतीय उपभोक्ताओं ने अपनी क्षमता के अनुसार जापानी या फ्रेंच या फिर भारतीय उत्पादों की जगह चीनी सामान को तरजीह दी है। एक बात और याद रखिए, आप मतलब आप जो फोन बना रहे हैं वो 10,000 उसमें खर्च आ रहा है, आप 15,000 का बेचेंगे, 12 का तो बेचेंगे, घाटे में तो बेचेंगे नहीं। और आपके मोबाइल में वही फीचर्स हैं और चाइना का 5,000 रुपये में खर्च आएगा उसे, और उसे उसमें भी वही फीचर्स रहेंगे, उससे भी बेहतर है। आपने एप्पल का फोन देखा है, ठीक है, कई फोन ऐसे, सैमसंग का फोन देखा है, कई फोन ऐसे हैं जो चाइना के सस्ते भी आ रहे हैं और सैमसंग और इनसे बेहतर फीचर्स दिए जा रहे हैं। जो फीचर्स आपको 50,000 के फोन में मिल रहे हैं वही वहाँ 10 से 15 हजार में आराम से मिल जाते हैं, तो लोग इसीलिए खरीदना पसंद करते हैं उन्हें। इस तरह लोग दोनों तरफ के लोगों यानी कि चीनी उत्पादनकर्ताओं और भारतीय खरीदारों को लाभ होता है। कोई भी देश अपने आप में पूरी तरह परिपूर्ण नहीं है, इसलिए व्यापार काफी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि लगातार व्यापार घाटा बढ़ते रहना सरकार पर एक गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं तैयार कर पाए जो देश के लोगों को की जरूरतों और उनकी खर्च क्षमता के हिसाब से सामान तैयार कर पाए। देश में उचित कौशल विकास, विज्ञान और तकनीक और रोजगार के मौके उपलब्ध कराए बिना अचानक से व्यापार पर रोक लगाना उन लोगों के लिए संकट खड़े करना है जो सस्ते दामों में उपलब्ध उत्पाद को खरीद कर अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अच्छी खासी मात्रा में चीन को अपने यहाँ का सामान निर्यात करता है। यदि व्यापार पर रोक लगाई जाती तो भारत को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। एक और देखा होगा आपने, देखिए आपका देश और चाइना एक ही समय पर लगभग आजाद होते हैं। आप 1947 में आजाद होते हैं, चाइना 1949 में जाकर आजाद होता है। उस समय तक दोनों देशों की स्थिति बराबर थी, ऐसा नहीं है कि चाइना शक्तिशाली था। उस समय भी दोनों को छुटकारा मिला था ब्रिटिश कंपनियों से, ब्रिटिश सरकार से। तो आप समझिए कि कुछ तो कमी रही है हमारे, कि हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, अभी भी आयात कर रहे हैं एक बहुत बड़ा हिस्सा, तो इसमें कहीं तो कमी देखी जा सकती है। फिर चाहे आपके पॉलिटिशियन हो या फिर तकनीकी, देखिए मेन रहता है पॉलिटिशियन का, उन्हीं का देश को आगे बढ़ाने में हाथ रहता है, उन्हीं को पीछे खींचने में। तो आपके यहाँ के पॉलिटिशियन की यही कमी रही है कि आज हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। अगर आपके ही यहाँ देख लेते, आपके यहाँ ही यही वो व्यवस्था हो जाता, सस्ता सामान उन्हें मिलने लगता, तो वो बाहर के लोगों से क्यों खरीदते? और हमारे देश के सभी के पास फोन भी होते। अब आपके पास व्यवस्था नहीं है फोन की, इसलिए ना आप चाइना खरीद रहे हैं, खुशी से थोड़ी खरीद रहे हैं। आपके पास अगर दूसरा विकल्प है तभी तो आप इसे छोड़ सकते हैं। भारत अपने कुल निर्यात का 5.32% हिस्सा चीन को निर्यात करता है, या अमेरिका को 16.92% निर्यात और यूएई को 9.31% निर्यात के बाद चीन द्वारा निर्यात के लिए तीसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि व्यापार प्रतिबंध से चीन पर खास प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है। समझ रहे हैं, अगर आप रोक भी देते हैं तो आप पर ज्यादा इसका नुकसान होगा, ये हकीकत है। क्योंकि आपके नेता कुछ भी बकते रहे, कुछ भी बोलते रहे, पॉलिटिशियन का मतलब भरोसा क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी बोले, लेकिन हकीकत यह है कि एकाएक रोक पाना संभव नहीं है। जिस दवा कंपनी का आप लोग मतलब चिल्ला रखते रहते हैं कि हमारे यहाँ दवा कंपनी, आप सोचिए कि उसमें आप 80% तक आप कच्चा माल आयात करते हैं चीन से, अगर उसे रोक देते हैं तो दवा कंपनियों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। मोटर गाड़ियां है जो भी आपके यहाँ है, इसका पार्ट्स आप चीन से आयात करते हैं, अगर रोक देंगे तो सस्ती गाड़ियों आप मिलना बंद हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग, चीन अपने कुल निर्यात का सिर्फ
3% हिस्सा भारत को निर्यात करता है, कितना 3, और हम कितना कर रहे हैं 5.32%। और चीन के निर्यात करने का अपने 3% का ये मतलब है कि वहां कुछ ज्यादा ही निर्यात किया जाता है अन्य देशों को, तो उनमें से 3% है। वहीं चीन अपने कुल आयात का सिर्फ 0.9% भारत से आयात करता है, या भारत द्वारा अंगोला से किया जाने वाला 0.75%, कनाडा से 0.32%, मैक्सिको से 0.86%, नीदरलैंड से 0.71%, ओमान से 0.72% और ताइवान से 0.84% आयात से सिर्फ थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि भारत चीन के साथ व्यापार बंद करता है तो चीन को 3% निर्यात और 1% से कम आयात का नुकसान होगा, जबकि भारत को 5% निर्यात और 14% आयात होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक बात और याद रखिए कि हमारे मतलब 21वीं सदी जो है आपकी एशिया की सदी कहा जाता है इसे। अगर चीन और भारत मिल जाए तो आप सोचिए कि इनके पास एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, क्योंकि पहले नंबर पर चाइना है आपका जनसंख्या में, दूसरे पर आपका भारत है। और विकसित होने के लिए, यानी कि देशों को अभी विकसित होने के लिए क्या चाहिए, जनसंख्या ही। कि अगर सामान बना रहे हैं तो वो खरीदने के लिए कोई हो तो, लेकिन चीन और भारत में कभी बन ही नहीं रही है तो कहाँ से बढ़ पाएंगे आगे। भारत और चीन के बीच व्यापार प्रतिबंध लगाने पर सबसे ज्यादा नुकसान मध्यम और निम्न आय वाले वालों को ही झेलना पड़ेगा। इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि भारत में चीनी सामानों की मांग इसलिए ज्यादा है क्योंकि अन्य देशों के उत्पादों की तुलना में ये सस्ते और भारत की बड़ी आबादी की आय क्षमता के अनुकूल रहते हैं। आप ही सोचिए, जो आप डिजिटल, हमारे प्रधानमंत्री साहब डिजिटल की बात करते रहते हैं, आप सोचिए अगर फोन ना हो, सस्ते फोन ना मिले, तो क्या गरीबों तक सभी सुविधाएं पहुंच सकती हैं। देखिए, हर गरीब कोई भी वो 20 से 25 हजार का फोन नहीं खरीद सकता है, आप भी जानते हैं, समझ रहे हैं आप। मतलब सस्ता जितना मिले उनके लिए उतना ही बेहतर रहता है, क्योंकि उनकी आमदनी आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से तो रहती है। इसके विपरीत यहाँ पर अभी तक ऐसी मजबूत व्यवस्था या बाजार नहीं तैयार हो पाया जो सस्ती दरों पर गरीबों को सामान मुहैया कराए। मोबाइल, टीवी, फैन, कंप्यूटर, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन जैसे जैसे ढेरों चीनी उत्पादों की कीमत अन्य देशों के उत्पादों की तुलना में काफी सस्ता है। इसके अलावा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से इस क्षेत्र में भारतीय कर्मचारियों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। भारतीय आयातकों, निर्यातकों और उत्पादनकर्ताओं पर इसका बुरा असर पड़ेगा। आमतौर पर छोटे दुकानदार चीनी सामानों को दूर दराज इलाकों में ले जाकर बेचते हैं, इसलिए प्रतिबंध से उनकी आजीविका को भी काफी खतरा पहुंचेगा। एक बात यहाँ याद रख सकते हैं आप लोग, जैसे आपके यहाँ जनसंख्या है और आपके यहाँ मतलब काम करने वाले जो भी मजदूर होते हैं बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, यही चाइना ने फायदा उठाया। लेकिन आप सोचिए कि आपके यहाँ तकनीकी सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी, आप भी फोन बनाते, आपके यहाँ भी उतना ही खर्च आता अगर आप तकनीकी मतलब तकनीक रूप से शक्तिशाली होते, क्योंकि आपके यहाँ जो भी सामान होता सस्ता ही तो फोन भी सस्ते। लेकिन आपने टेक्नोलॉजी, आपके देश से दूसरे देश हमारे यहाँ के इंजीनियर जा रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रहे कि उन्हें रोक कर यही सुविधा उपलब्ध कराएं, जिससे हमारा देश भी आत्मनिर्भर होगा और हमें दूसरे पर निर्भर न रहना पड़ेगा। अगर आप किन्हीं को दोषी मान सकते हैं तो इसमें मुझे लगता है कि आपके यहाँ के जो भी पॉलिटिशियन है उन्हीं को दोषी मानिए, क्योंकि 70 साल से वो आज तक एक काम नहीं कर पाए हैं। आप गरीबी की बात करते आ रहे थे, उन्हें सिर्फ रोटी सेंकने मतलब राजनीति पर रोटी सेंकना ही पसंद है, और आज उनकी राजनीति चल रही है, कल दूसरे आएंगे, परसों तीसरे आएंगे, और देश का यही हाल बना रहे हैं। और अन्य देशों के जो भी राष्ट्र प्रमुख होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, चाइना का कहा जा रहा है। एक आप लोग क्या करते हैं कि भावनात्मक रूप से बह जाते हैं हवा में, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए चाइना जीडीपी के मामले में दूसरे नंबर, अभी पहले नंबर पर पहुंचने वाला है कुछ टाइम बाद, और हर तरह से आप देखिए कि चाइना ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। कोई भी मामला आप उठा के देख लीजिए, अमेरिका मतलब बराबरी में वो चला है। एक समय हुआ करता था कि महाशक्ति हुआ करता था अमेरिका, आज वो सभी धरी की धरी रह चुकी है। विदेशी निवेश पर खतरा, इस तरह अचानक व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से
विदेशी निवेशकों के मन में भारत की छवि काफी खराब हो सकती है। मालूम हो कि लॉकडाउन के दौरान बिगड़े आर्थिक हालात से उबरने के नाम पर जब विभिन्न राज्य सरकार श्रम कानूनों में ढील दे रही हैं, तो उन्होंने ये दलील दी थी कि इसमें भी राज्य में निवेश बढ़ाने में सफल होंगे। हालांकि कोई भी निवेशक, खासकर विदेशी, इस रवैये पर सहमति नहीं जताएगा। आनन फानन में इस देश व्यापार करार तोड़ दे और एक झटके में अपनी नीतियों को बदल दे, इससे व्यापार की सुगमता, इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि देश इस समय भयावह आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में इस तरह का कोई प्रतिबंध भारत के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। समझ में आए? और आप देखिए, जिस दिन हमारे देश के शहीद हुए उससे 10 दिन तक किस तरह का बवाल चलता आ रहा है, और अभी आप देखिए सब बुझ गई लालटेन। एक मतलब हमारे देश के जो भी नागरिक हैं, एक समय तक उनमें जुनून रहता है किसी भी काम के प्रति, उसके बाद काम खत्म हो जाता है। इस जुनून को अगर हमेशा बरकरार रखा जाए तो कोई भी काम हो सकता है, जिस भी क्षेत्र में आप करना चाहें, लेकिन अधिकतर लोगों का जुनून बुझ चुका होता है। भारत के पास, अगर विकल्प की बात करें, तो भारत के हाथ में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के नियमों से बंधे हुए भारत के हाथ। WTO किसी भी देश को आयात पर भारी भरकम प्रतिबंध लगाने से रोकता है। भारत के पास एक विकल्प यह है कि वह चीन को दिया सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा वापस ले सकता है, किंतु जानकारों का मानना है कि इससे चीन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कोई ऐसी वस्तु है जो चीन से बड़ी संख्या में आयात की जाती है, जो भारत में पहले से बन रही है, और हम चाहें तो इन वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश में और बढ़ा सकते हैं। इन वस्तुओं में कोई बहुत अधिक तकनीक की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में डेडम सैंडियों के अंतर्गत आने वाली सभी स्थानीय उद्योगों को आवश्यक प्रौद्योगिकी, वित्त, गुणवत्ता को बढ़ावा बढ़ाने के लिए आवश्यक समर्थन के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। आप सोचिए कि आपके यहाँ के अर्थशास्त्री, जिन्हें कई को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, अभिजीत बनर्जी साहब को ले लीजिए, आपकी सरकार ने उनसे सलाह नहीं की अभी लॉकडाउन के समय में, कोरोना महामारी के समय में, और उन्हें अमेरिका देश जो है, कई देश उनसे सलाह ले रहे हैं। ये या तो आपके देश का घमंड कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि मतलब वो अर्थशास्त्रियों को कुछ नहीं मानते हैं, नेता ही सभी कुछ है। आप समझिए कि 10वीं 12वीं पास करने वाले नेता आपका देश चलाने की हिम्मत रख रहे हैं, अर्थशास्त्री से यानी कि इकोनॉमिक्स है जो, उनसे सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं समझते हैं वो लोग। तो ये बेवकूफी ही तो है कि अर्थशास्त्री है, कम से कम वैज्ञानिक है तो उसे उस क्षेत्र का अपना ज्ञान तो होगा। तुम तो 10वीं 5वीं काट फाट के, मार काट के, लूट फूट के करके नेता बन चुके हैं, लेकिन कम से कम उन्हें तो ज्ञान होगा अच्छे से, तो उनसे तो आपको सलाह लेनी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं मानते। एक और भारतीयों में देखा है आप, ओवर स्मार्ट गिरी, यही ऊपर ओवर स्मार्ट गिरी कभी कभी धरी की धरी रह जाती है। आप अपनी पर्सनल जिंदगी में भी देखते हैं तो सामने वाले का सुनना चाहिए कि अगर कोई सामने वाला आपको सलाह दे रहा है तो हो सकता है कि उसकी सलाह सही हो। एक बार ध्यान से, मतलब ठंडे दिमाग से सोचिए तो वो कह क्या कह रहा है। अभी मैं देखता हूँ कई जगह कि माँ बाप जब सलाह देते हैं बेटे को तो बेटा क्या कहता है, हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अरे तुमसे ज्यादा उम्र उनकी निकल चुकी है, जिस रास्ते पर आज तुम चल रहे हो उस पर वो चल चुके हैं, तो कम से कम उन्हें अनुभव तो होगा इतना। तुम्हें माननी, मानो या ना मानो सलाह, लेकिन सुन तो लेना चाहिए, कहीं हो सकता है वो सही बता रहे हो। खैर छोड़िए, चल रही है नैया, चलने दीजिए। बहुत सारी आवश्यक तकनीकी स्तरों की आइटम जैसे ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, इंजीनियरिंग पार्ट्स आदि के लिए चीन की निर्भरता को खत्म करने के लिए अन्य विकल्प तलाशना जरूर चाहिए। भारत में इसकी तकनीक को विकसित करना चाहिए। उच्च टेक्नोलॉजी की वस्तुओं का चीन से आयात रोकने के लिए दूसरे देशों से इसका विकल्प तलाशना हो चाहिए। साथ ही भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन देना चाहिए। आगे की राय की अगर हम लोग बात करें, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार या पूर्ण प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अगर चीन पर दबाव बनाना है तो भारत को चीन के साथ आयात निर्यात में कायम असंतुलन को पाटने की कोशिश करनी होगी। यह भी सुझाव दिया गया है कि भारत चीन के साथ मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट पर फिर से विचार करना चाहिए। ध्यान दें कि निकट भविष्य में यह लोगों की आहत भावनाओं को शांत कर सकता है, मगर यह भारत जैसे देश के बेहद हानिकारक होगा, जो विदेशी निवेश को
आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। एक बात और याद रख सकते हैं आप लोग, क्या याद रख सकते हैं, आप अगर प्रतिबंध लगाते हैं चाइना के सामान पर तो उसके पास कई विकल्प खुल चुके हैं। देखिए आप ही अपने पड़ोसियों को ले लीजिए, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब पर उसने कब्जा कर लिया, और बाकी देशों का छोड़िए, आपके पड़ोसियों पर ही उसने काफी हद तक कब्जा कर लिया, तो उसका सामान तो खपत हो जाएगा, समझ रहे। आपको अगर चीन को मतलब चीन का मतलब चीन को रोकना है तो आपको तिब्बत का मामला उठाना चाहिए, आपको ताइवान, हांगकांग का मामला उठाना चाहिए, दक्षिण चीन सागर का मामला उठाना चाहिए, तब चीन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं आप लोग, चीन को दबा सकते हैं। आप सामान को वाइकआउट करके एक दो दिन में नहीं दबा सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और एक राष्ट्रभक्ति अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रभक्ति के नाम पर नेता भक्ति मत किया करिएगा, और यही नेता भक्ति आपकी महंगी पड़ रही है देश को। आज हम 70 साल से नेता भक्ति करते आ रहे हैं, राष्ट्रभक्ति सही है, और राष्ट्रभक्ति एक सीमित समय तक बढ़िया है, जान दीजिए आप देश के लिए, लेकिन नेता भक्ति पर कि उनने कहा है कि आपको एक दिशा में मोड़ दिया, आप मुड़ के चले गए। मैं इतना कह सकता हूँ कि 80 से 85% लोग हमारे देश में, उनका जो दिमाग है, उनकी जो सोच है, दूसरा विकसित कर रहा है। आपको बस आपका दिमाग बस इतना है कि हाँ, उसने जिस मोड़ जिस तरफ मोड़ दिया उस तरफ चलने लगा, उस तरफ सोचने लगा। तो यही कारण तो है हमारी बहुत बुरी स्थिति है। आपको लगता है कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, हमने ये कर लिया है, हमने वो कर लिया है, समझ रहे हैं। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मतलब घर में कुछ कर ले। अगर आपको बराबरी करनी है तो चीन को प्रतिस्थापित कीजिए, जीडीपी को इतना ऊपर ले जाइए कि हम चीन से और आगे निकल सकें, तब प्रतिस्पर्धा होती है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपके साथ एक विकलांग व्यक्ति है और आप हैं, आप दौड़ने की रेस दौड़ रहे हैं, दोनों कंपटीशन कर रहे हैं, तो भाई वो तो वैसे भी हार जाएगा। अब आप बराबरी करते हैं चीन से, आप बराबरी करते हैं बांग्लादेश से, अरे भाई वो उनकी स्थिति खराब है, उनसे नहीं बराबरी करनी है। आपको करनी है तो अमेरिका से करिए, चीन से करिए, यूरोप के जो देश हैं उनसे करिए, समझ रहे हैं। लेकिन हम जाके करते हैं सबसे निचले वाले से। यदि कोई देश नीतियों को रातों रात बदल दे, नए टैक्स फौरी तौर पर लगा दे, या सरकार खुद कॉन्ट्रैक्ट रोक दे, तो कोई भी निवेशक नहीं करेगा। सही मायनों में भारत को अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाकर वैश्विक व्यापार में बड़ा हिस्सा ही हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं सोचते किस तरह से भारत में, मतलब कोई अच्छी तरह से, अभी जैसे ही सुना कि चाइना से कंपनी हट रही है, जा रही है छोड़ छोड़कर, तो हम लोगों ने बहुत ढील दी। लेकिन आपने देखा है कि आपके यहाँ ना के बराबर कंपनियां आई हुई हैं, विदेशी कंपनियां, और देशों में उनने अपना जमा लिया जो भी था। तो मतलब अब थोड़ा मतलब हमें खुद होना चाहिए आत्मनिर्भर। आप अगर शक्तिशाली हैं तो सोचिए, अगर आपकी स्थिति बुरी चल रही है तो आपका साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। मुश्किल से अगर एक आध आ जाता है तो उसे बहुत भगवान है आप लोग। अगर आप शक्तिशाली हैं तो बिना साथ मांगे 1000 लोग खड़े रहते हैं आपके, तो आप शक्तिशाली तो बनिए, उसके बाद 1000 हर कोई तुम्हारा साथ देगा। आपके अभी जितने भी पड़ोसी हैं देश, उनसे इतने रिश्ते नीचे जा चुके हैं, उन्हें सुधारिए। तो खैर छोड़िए, चलिए भक्ति करते रहिए, देश जहां जाना हो उस जाने दीजिए। मिलते हैं अगले हम लोग एक नए आर्टिकल के साथ।